कोरोना काल में मंदी की मार झेल रहे दुकानदारों के लिए स्टोर लाइज ई कॉमर्स स्टोर एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। इस ऑनलाइन स्टोर पर सभी प्रकार के दुकानदार अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष कुशल जेठी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि कोरोना काल में लोगों ने अधिकतर खरीदारी ऑनलाइन की है, जिसकी वजह से लोकल दुकानदारों को काफी अधिक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सोलन के व्यापारी हिमांशु वर्मा ने दुकानदारों को एक बेहतरीन विकल्प दिया है, जिसका लाभ लोकल दुकानदारों को होगा। सोलन के लोगों को अब किसी बड़े ऑनलाइन साइट में शॉपिंग करने की आवश्यकता नहीं है, यह सुविधा ग्राहकों को स्टोरलाइज मुहैया करवाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल सोलन द्वारा स्टोरलाइज के साथ MOU साइन किया गया है। व्यापार मंडल के सभी सदस्य इस ऑनलाइन साइट पर अपना मुफ्त में पंजीकरण करवा सकते हैं। काम करने के लिए तो ये खुद उसको प्रोवाइड कराएंगे, प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कराएंगे। मुझे लगता है कि एक अच्छा सोल के लिए हमारे लिए एक्सपीरियंस है और हम इसमें कामयाब भी होंगे। और हिमांशु जी ने जो सोचा है, जो मेहनत इन लोगों ने किए पिछले दिनों में और फ्यूचर जो उन्होंने सोचा है, उसमें मेरे को लगता है सफलता हासिल करेंगे। तो इससे छोटे जो दुकानदार है हमारे, जो पिछले लॉकडाउन में या पिछले कोरोना महामारी में जो मतलब हमारे दुकानें दुकान थी, ऑनलाइन सामान जाता था, लेकिन वो सामान पता नहीं कहाँ कहाँ से आ रहा था। अब ये हमारे पास अच्छा कि इस प्लेटफॉर्म से अगर कोई परचेज करता तो लोकली हमारा प्लेटफॉर्म है, ये जो साइट है लोकली है, और खरीदने वाला तो कहीं का भी हो सकता है, लेकिन बेचने वाला हमारा लोकल होगा। तो इससे हमारे छोटे व्यापारी को एक संजीवनी समझ करता हूँ मिलने की आशा। और आजकल युग भी आपको पता है कि अब धीरे धीरे युग बदल रहा है, युग के साथ बदलना भी चाहिए। तो हर एक कोई व्यापारी भी नहीं कर सकता अपनी साइट खोले, हर एक कोई नहीं खोल सकता अपनी साइट। तो इस करके इन्होंने इनिशिएट किया, तो इस इनिशिएट का मैं इनको धन्यवाद भी देता हूँ और शुभकामनाएं भी देता हूँ और बधाई भी देता हूँ कि भगवान इनको सफलता दे जो इन्होंने मन में सोचा है। और हमारे जो छोटे दुकानदार हैं, अगर वो सुबह मैं समझता हूँ अगर इसके थ्रू अगर वो कुछ अपने शेयर को बढ़ा सकते हैं तो हमारे लिए और हमारे छोटे दुकानदारों के लिए भी बड़ी एक खुशी की बात होगी। हमारा तो लक्ष्य ही क्या होता है, हमारा जो दूसरा लक्ष्य है कि हम चाहते हैं कि छोटा दुकानदार कैसे उठे। स्टोरलाइज के प्रमोटर हिमांशु वर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि यह हिमाचल प्रदेश का पहला लोकल ई कॉमर्स स्टोर है। आमतौर पर हिमाचल ग्राहक अन्य कई बड़ी ऑनलाइन साइट से खरीदारी करते हैं, जिसकी वजह से जहां स्थानीय दुकानदारों को काफी नुकसान होता है तो वहीं ग्राहकों को भी कई बार ठगी का शिकार होना पड़ता है। स्थानीय दुकानदारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से स्टोरलाइजर ई कॉमर्स स्टोर शुरू किया गया है। फिलहाल इसकी शुरुआत सोलन से की जा रही है। सोलन शहर के सभी प्रकार के दुकानदार इस ऑनलाइन स्टोर पर पंजीकृत हो सकते हैं। इसके बाद दुकानदार अपने उत्पाद यहां पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसा किए जाने से स्थानीय दुकानदारों को इसका सीधा लाभ पहुँचेगा। जो लोकल प्रोडक्ट मैडली पर कर सकते हैं, लोकल शॉपकीपर कर सकते हैं, वो एमएससी 14 दिन तो लगेंगे हम चाहेंगे। यही हमारा बेसिक पॉइंट है कि हम सेम रेट भी दे सकते हैं, राशा और इंटरनेट से भी हम उनको पहुंचा रहे हैं। सेकेंडली रही बात प्राइसिंग की, काफी सारी कैटेगरीज आ चुकी है ऐसी किस टाइम पे, जैसे मोबाइल फोन ले लो, किस टाइम पे मोबाइल फोन ऑफलाइन मार्केट में ऑनलाइन से सस्ते हैं, वहां हम उनसे बेनिफिट उठा सकते हैं। सेकेंड कुछ कैटेगरीज ग्रोसरी में भी ऐसी है जो ऑफलाइन मार्केट सस्ता ऑफर करते हैं, ऑनलाइन भी एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि उनका वेट, क्योंकि वो वेट ज्यादा है, उनका शिपिंग में चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं। तो हमें तो लोकल डिलीवरी करनी है, हम एक पर्सन को देना है, उसके हिसाब से रेट बना देंगे, यहाँ हमारे बेनिफिट्स निकल देंगे। लोकल जो बंदा बेचे तो जल्दी बेच सकता है, सेकेंडली फ्रॉड नहीं हो सकता क्योंकि हमारा बिलिंग साथ जाएंगे जो शॉपकीपर उसे भेज रहा है। अगर आपको भी प्रोडक्ट में फॉल्ट लगता है या ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ज्यादातर मेल्स जा सकते हो, मेरा प्रोडक्ट जो होता है मेल्स पे रिवर्ट आए ना ही उनपे डिपेंड करता है। यहाँ पे आपके पास एक शॉप से मिला है, आप स्टेट में अगर आपको कोई रिवर्ट हमारे कस्टमर केयर से नहीं आप सेटिस्फाई हो, आप स्टेट में शॉप से आगे बिल में जाके बात कर सकते हो प्रोडक्ट का। ऑनलाइन आने वाली चीज पे ऐसा नहीं कर सकते। थर्डली ये आ गया कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसका आप इजिली शॉप के थ्रू पर ज्वाइन कर सकते हो, हर कोई बंदा अपनी वेबसाइट चीज बनवा सकता है या आप भी कनेक्ट करवा सकते हैं। हर यूज से मैनेज करने के लिए बंदा नहीं रख सकता, बट हम सब कुछ कॉमन इनपुट करके देंगे, उसने सिर्फ प्रोडक्ट बेचना ही है। अब जब उसकी कॉस्टिंग इतनी कम होगी, ऑब्वियसली वो ऑनलाइन से कम्पीट करेगा, वो भी कोशिश करेगा थोड़े से मार्जिन में कम कर देता हूँ, सो दैट मेरे प्राइसिंग ऑनलाइन जो बाकी कंपनीज एमएनसी होकर कर रही है उनके बराबर आ जाए। तो जब आपको दोनों तरफ सेम प्राइसिंग मिलेगा लोकल भी चीज, जब आप दुकानदार से कोई चीज नहीं ले रहे हैं तो उसका खर्च जो आप ये करेंगे, क्योंकि जन सेवा तो आप कर नहीं रहे होंगे, तो वो जब वो ग्राहक पे पड़ेगा उसका बाद बाहर पे नहीं, ये जो है काम करेगा सेल के हमने चार्ज है, जैसे कोई भी प्रोडक्ट सेल चार्ज होगी तो हमने उस पे जैसे 2% सेल्स पे अपनी कमीशन चार्ज करेंगे जो इस प्लेटफॉर्म पर रन करने के लिए यूज होगा।
तो आपका ये आप ग्लोबली इसको करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर आप डिलीवरी की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम अपना एक डीवी टाइप्स करेंगे और ऐसी कई कंपनीज है जो लोकल डिलीवरीज के लिए वर्क करती है, जैसे हाइपर लोकल उन्होंने अपनी अलग कैटेगरी काफी आ चुके हैं इसमें, उनके साथ टाइप्स करेंगे। अभी स्टार्टिंग हमने सूरत से किया, सूरत तक एलोकेट किया था हमने, ऐसी चीज नेक्स्ट करेंगे। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए सोलन ब्यूरो की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर, सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज, तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजें अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।